राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा में प्रवेश के दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने नगरीय सीमा के पास जगपुरा में उनके रात्रि पड़ाव स्थल पर पहुंचने से पहले केबल नगर में एक नुक्कड़ सभा की व्यवस्था की, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। सभा संबोधित करते हुए राहुल ने किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल में मनरेगा की भांति शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को और खास तौर से शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने करीब 16 मिनट के भाषण में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की आवाज को दबाने की मोदी सरकार की कोशिशों पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस जनों के साथ ही छात्र, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी और आम जन में उत्साह का माहौल है। यात्रा कोटा शहर से होकर गुजरेगी, जिसका कोटा में भव्य स्वागत किया जाएगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से देश भर में समर्थन मिल रहा है, कोटा में भी यात्रा के स्वागत और यात्रा में शामिल होने को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। मंत्री शांति धारीवाल भी केवल नगर में भारत जोड़ो यात्रा की कॉर्नर सभा में शामिल हुए और सभा समाप्ति के बाद वे मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और स्वागत को लेकर कांग्रेस जन में जो उत्साह देखा जा रहा है, ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। यात्रा को देश भर में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कोटा में भी भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होगा। लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं। और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है, इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। अभी गहलोत जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूं, मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। वो सही बोल रहे हैं, मगर यहाँ जो हमारे मीडिया के मित्र आए हैं, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग भीड़ में हैं आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है। ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी बांध रखी है, तो ये अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो गलती इनकी नहीं है,